गुड मॉर्निंग किड्स, कम टू द पेज नंबर 14 अराउंड माय हाउस, हमारे घर के आसपास। यू मस्ट हैव सीन वेरियस शॉप्स एंड ऑफिसेस अराउंड योर हाउस। तो आपके घर के आसपास बहुत अलग अलग टाइप की दुकानें, शॉप्स, ऑफिसेस होंगे ना। तो हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई दीज पिक्चर्स। अब ये पिक्चर्स जो दी हुई है ना, उसमें से हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन हेल्प बॉक्स। अब जो नीचे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है ना, ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का, उसमें से हम क्या कर सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं इसमें। चलो देखते हैं क्या लिखा है। रेस्टोरेंट, स्कूल, हॉस्पिटल, ग्रॉसरी शॉप और बुक स्टोर। तो फर्स्ट वन, यू गो देयर टू स्टडी एवरी डे। अब हम कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए रोज़। कहाँ जाते हैं हम, स्कूल जाते हैं ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, स्कूल। तो स्कूल की स्पेलिंग क्या होती है, SCHOOL, स्कूल। ओके, कम टू द सेकेंड, यू गो देयर व्हेन यू गेट हर्ट। अब जब आपको लग जाती है या इंजरी हो जाती है या आप बीमार होते हो, तब आप कहाँ जाते हो, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल की स्पेलिंग क्या होती है, HOSPITAL, हॉस्पिटल। ठीक है, अब कम टू द थर्ड वन, समटाइम्स यू गो देयर टू हैव अ लंच और डिनर विद योर पेरेंट्स और फ्रेंड्स। आप कभी कभी डिनर करने जाते हो ना किसी जगह, डिनर करने या लंच करने, तो उस जगह का नाम क्या है, क्या होगा, रेस्टोरेंट, RES, TAURANT, रेस्टोरेंट। ओके, सो कम टू द फोर्थ वन, यू गो देयर टू बाय पल्सेस, फ्लोर एंड राइस विद योर पेरेंट्स। अब आप पल्सेस मतलब दाल वगैरह, और फ्लोर मतलब मैदा या फिर गेहूँ, वो होता है ना आटा, वो चावल लेने अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाते हो, ग्रॉसरी शॉप। तो क्या लिखोगे, ग्रॉसरी, पहले लिखोगे ग्रॉसरी, GROCERY, ग्रॉसरी शॉप। ओके, अब फिफ्थ वन, यू गो देयर टू बाय बुक्स एंड स्टेशनरी। अब आप उस जगह जाते हो जहाँ आपको बुक्स चाहिए होती है या स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या होता है, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर, कॉपीज, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बुक स्टोर, बुक स्टोर। ओके,